ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो एक 15-20 मिनट हम भगवान की गोवर्धन लीला के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अत्यंत शुभ दिन है आज का। भगवान ने गोवर्धन पर्वत स्वयं उठा करके अपने व्रजवासियों में जो भक्त थे भगवान ने उनकी रक्षा की थी। जब कृष्ण उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा एक बड़ा आयोजन चल रहा है। नंद महाराज और बाकी जो व्यस्क एल्डरली जो गोपगण थे वो एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण को तो सब पता है, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। लेकिन फिर भी अब कृष्ण जो है नंद महाराज से और इन गोपगण से कुछ प्रश्न पूछते हैं। ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भगवान ने पूछे। ये जो गोवर्धन लीला भगवान ने रचाई इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि भगवान जब स्वयं पृथ्वी पर आए थे तो जो उन्होंने भगवद गीता में कहा है, भगवद गीता का जो सारांश है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, भगवान ने कहा है सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ करके मेरी एकमात्र माम एकम शरणम व्रजा, इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिउपासते। इस प्रकार की जो भक्ति होती है शुद्ध भक्ति होती है। ऐसा नहीं कि हम भगवान के ऊपर भी निर्भर हैं, उनकी शरण में भी हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आए तो देवताओं की तरफ भी हम जो है उनकी उपासना करने में लगे हैं। जब हमें भौतिक सुख समृद्धि की जरूरत है तो कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे जो है देवताओं की उपासना करनी पड़ेगी, अगर मुझे इस प्रकार का कार्य चाहिए तो इस देवता की उपासना। बहुत सारे हैं, अगर आप वेदों में देखोगे, अगर आपको सुंदर पत्नी की जरूरत है तो एक प्रकार के देवता की उपासना है, अगर आपको सुंदर पति की बढ़िया जो है
पति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग प्रकार की उपासना है, जैसे माँ कात्यायनी की उपासना है। इसी प्रकार से अगर हम स्वर्ग लोकों में जाकर के अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं उसकी भी अलग प्रकार की उपासना है। तो भगवान जो है एकांतिका भक्ति इस संसार में स्थापित करना चाहते थे जब भगवान स्वयं यहां पर आए थे, इसलिए भगवान ने जो है ये गोवर्धन लीला रचाई। तो कृष्ण जो है नंद महाराज से पूछते हैं, हे नंद बाबा, ये जो यज्ञ का आयोजन चल रहा है ये किसके लिए किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेरेमनी। अगला प्रश्न भगवान पूछते हैं, इस यज्ञ के करने से क्या फल की प्राप्ति होने वाली है। देखिए बहुत एसेंशियल है, भगवान फिर तीसरा भी पूछते हैं, क्या ये वेदों के अंदर में दिया है या फिर ये कोई लोकप्रिय प्रचलित प्रथा है, मेरे दादा लोग करते थे, परदादा करते थे, इसलिए मैं भी कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या फल मिलने वाला है कुछ पता नहीं। तो देखिए भगवान क्या समझाना चाहते हैं, जो भी हम करते हैं ये तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, पर्पस, रिजल्ट और क्या ये ऑथराइज्ड है, कहीं ये एक प्रथा मात्र तो नहीं है, मतलब जो चली आ रही है कुछ वंशों से चली आ रही है, सो इसलिए हम लोग भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कुछ पता नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने जो है ये प्रश्न पूछे, तो नंद बाबा चुप रहे, बाकी जो व्यस्क गोपगण थे वो भी अपने काम में लगे रहे और कुछ बोले नहीं। वो मन में विचार कर रहे थे, क्या पूछ रहा है, छोटा बच्चा है, इसको क्या पता है हम क्या कर रहे हैं, इसकी समझ में कुछ आने वाला नहीं, बताने से क्या फायदा भी नहीं है, तो इस प्रकार से सोच रहे थे। तब कृष्ण जो हैं बड़ा सुंदर विचार प्रकट करते हैं, भगवान कहते हैं जो उदार व्यक्ति होते हैं, उदार मतलब होता है जिनका हृदय विशाल होता है, जिसे महात्मा कहते हैं, जो उदार व्यक्ति होते हैं, जो महान आत्मा है जिनका हृदय विशाल है, उनके लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है। देखिए ये सब वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं हम अपने जीवन में सीख सकते हैं, यहां तक कि उसके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, तो उसके लिए कोई सीक्रेट नहीं है, कोई रहस्य की चीज नहीं है कि ये चीज मैं गुप्त रखूंगा, क्योंकि उसके लिए कोई शत्रु नहीं है। तो जो उदार व्यक्ति है, जो महात्मा है, जिसका हृदय विशाल है, उसके लिए कोई रहस्य नहीं है, कोई गुप्त बात नहीं है, दुश्मन को भी वो रहस्य बता देगा क्योंकि उसके लिए कोई दुश्मन नहीं है। और आगे भगवान कहते हैं कि मान लो अगर आप सोचते हैं कि नहीं आप इतने उदार नहीं हैं, आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, रहस्यमय ही रहना चाहते हैं, ये मैं यज्ञ क्यों कर रहा हूं नहीं बताऊंगा, तब भगवान कहते हैं कि अगर आप इतने उदार नहीं हैं तब भी अपने बंधुओं से, आपके जो परिजन हैं, आपके जो परिवार के जन हैं, उनसे रहस्य नहीं रहना चाहिए, उनसे कुछ बातें गुप्त नहीं रखनी चाहिए। ठीक है दुश्मन से रख लो, तो मैं तो दुश्मन नहीं हूं, मैं तो आपके ही परिवार का जन हूं,
तो ये भगवान जो है कहते हैं। जब इस प्रकार से भगवान ने दोबारा पूछा, तब नंद महाराज ने जो है बताना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, कृष्ण हम जो हैं वैश्या वर्ग के लोग हैं। चार प्रकार के वर्ग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कहते हैं कि हम जो हैं कृषि के ऊपर और गोरक्षा के ऊपर हमारा जीवन आधारित होता है। कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, ये जो है वैश्य कर्म स्वभावजम वैश्य का कार्य होता है। तो कहते हैं कि हमें अच्छी फसल उगाने के लिए और गाय के लिए चारा देने के लिए हमें जो है वर्षा के ऊपर निर्भर होना होता है। अच्छी बारिश होगी, हमने भी देखा है ना, हम लोग आज कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक साल दो साल सूखा पड़ जाए, आप देखिए हमारी इकोनॉमी क्या हो जाती है। ये सब जो है आर्टिफिशियल इकोनॉमी हम लोगों ने बना के रखी है। हमें ज्ञान नहीं है कि असली इकोनॉमी जो है गोधन और गव्येन धनवान और धन्येन धनवान, ये दो प्रकार के धन होते हैं। जिसके पास में अत्यधिक अनाज है और जिसके पास में अत्यधिक गायें हैं उसको जो है धनी बताया जाता है। ये करेंसी के नोट कभी भी डीमोनेटाइज हो जाते हैं आपके करोड़ों रुपए जो है वेस्ट हो सकते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि हम तो इसके ऊपर निर्भर हैं। और बारिश पता है कृष्ण को बताते हैं, बारिश सही मात्रा में होनी चाहिए। बारिश अगर अत्यधिक अतिवृष्टि हो गई तब भी हमारा काम नहीं चलेगा, और कम बारिश हो गई, सूखा पड़ गया, तब भी हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हम इंद्र देवता को प्रसन्न करके रखते हैं, हे इंद्र देवता तुम्हारी कृपा के द्वारा सही मात्रा में बारिश होती रही, सही समय पर, वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ समय जो है फसल उगाने के टाइम में बारिश की जरूरत नहीं होती है। जब फसल लगाते हैं कुछ समय होता है जब हमें जो है पानी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ज्यादा पानी उसमें पड़ेगा उस समय में, जब फसल पक रही है उस समय में पानी पड़ेगा तो आपकी फसल खराब हो जाएगी। तो कहते हैं ये सब करने के लिए हम इंद्र देवता को संतुष्ट करते हैं, ये पीढ़ियों से चला आया है, इसलिए हमने ये यज्ञ का आयोजन किया है। तब भगवान जो है उसके उत्तर में बड़ा सुंदर जो है तर्क भगवान देते हैं अपनी तरफ से। इसे कर्म मीमांसा कहा जाता है। कर्म मीमांसा जो है एक प्रकार से एथिस्टिक नास्तिक फिलॉसफी है, नास्तिक दर्शन है, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो तर्क समझाने के लिए देते हैं। भगवान कहते हैं, हे नंद बाबा, इस भौतिक संसार के अंदर में जितने भी जीव हैं उन्हें सुख और दुख की प्राप्ति कर्मों के द्वारा होती है, इंद्र देवता के द्वारा नहीं। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे शरीर की प्राप्ति होती है। अगर आज कोई व्यक्ति ऐश्वर्यवान परिवार में उसका जन्म हुआ है, श्रीमताम गेहे, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, शुचि नाम गेहे, किसी व्यक्ति का जन्म ऐसे घराने में हुआ है जिसमें अनेकों प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं वैष्णव के घर में, तो ये कोई ऑर्डिनरी जन्म नहीं है, उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं।
नहीं तो जरा सोचिए, एक आदमी के पास में खाने के लिए दो वक्त का भोजन भी नहीं है और एक व्यक्ति जो है उसके पास में धन दौलत सब है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिस्पैरिटी क्यों है? भगवान भेदभाव नहीं करता है किसी को, भाई तुम जाओ, तुम गरीब के घर में जन्म लो, तुम अमीर के घर में जन्म लो, तुम अच्छे घराने में जन्म लो, तुम कुत्ते बन जाओ, तुम बिल्ली बन जाओ, ऐसा नहीं है। कर्म के अनुसार जैसा हमने कर्म किया है, अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे हमने कर्म नहीं किए हैं तो हमें उस प्रकार की योनि की प्राप्ति होगी जहां पर हम कष्ट भोगेंगे, दुख भोगेंगे। तो भगवान बता रहे नंद महाराज को, सुख दुख देने वाले इंद्र देवता नहीं है, वो तो फिक्स्ड है। किसी ने अच्छा काम किया है तो वो तो ऐश्वर्यवान बनेगा, उसकी फसल अच्छी होगी, इंद्र का क्या लेना देना। और भगवान कहते हैं इंद्र तो ऑफिसर है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, वो प्रोपराइटर नहीं है, और उनका काम तो देना है। अगर लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, तो इंद्र देवता जो है उनको तो देना पड़ेगा, उनकी वो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। तो ये भगवान देते हैं। अब देखिए नंद महाराज जो है इसका बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नंद बाबा कहते हैं, बेटा कर्म सब कुछ नहीं होता है। अगर कर्म सब कुछ होता तो एक माता पिता अपने पुत्र की रक्षा करना चाहते हैं, उसके लिए सारा कर्म करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन देते हैं, लेकिन क्या उस कर्म करने मात्र से गारंटी है उसका पुत्र, उसकी संतान बच जाएगी? और वो कहते हैं कि मान लो बढ़िया से बढ़िया वैद्य है, बढ़िया से बढ़िया दवाई देता है, क्या गारंटी है बच जाएगा? आपके पास में सबसे बढ़िया शिप है, कभी डूबने वाली नहीं है, लेकिन वो भी एक दिन डूब सकती है, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। टाइटैनिक को बताया जाता था अनसिंकेबल, जिसको कोई नहीं डुबा सकता है, पहली यात्रा में डूब गई। देखिए दो कितने सुंदर उदाहरण देते, तो बोलते हैं हमारे जो सुपीरियर हैं उनकी कृपा की जरूरत पड़ती है। कर्म हम लोग करेंगे, बढ़िया है, कर्म करने मात्र से फल की प्राप्ति होगी गारंटी नहीं है, उनकी कृपा की भी जरूरत है। डॉक्टर ने बढ़िया मेडिसिन दे दी, बढ़िया डॉक्टर है, बेस्ट है, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं हुई फिर भी मर जाएगा। और एक मरीज है, डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन अगर भगवान की कृपा ही वो भी बच सकता है ना। तो देखिए कितना बढ़िया तर्क जो है नंद महाराज देते हैं। तब आगे भगवान कृष्ण जो है अगला तर्क देते हैं। भगवान कहते हैं बड़े सुंदर तीन उदाहरण जो है भागवतम में दिए गए हैं। एक प्रभुपाद जी जो है ये तीन उदाहरण देकर के समझाते हैं। जिस प्रकार से अगर हम किसी पेड़ में पानी डालना चाहते हैं तो हम पानी कहां डालते हैं? पत्तों के ऊपर, ब्रांचेस में, ट्रंक में, कोई फायदा नहीं मिलेगा, जड़ में पानी डालते हैं। आप जड़ में पानी डालेंगे वो ब्रांचेस में भी जाएगा, ट्रंक में भी जाएगा, सब जगह अपने आप जाएगा, पूरा पेड़ जो है नरिश हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लिया जाता है, हम भोजन कहां डालते हैं? हाथ में। आप सबको कहूं कि भाई अभी बाद में, आज गोवर्धन पूजा है, सब लोग भक्त लोग प्रसाद खा लेना, देख करके अपनी दृष्टि से खा लो, आंखों से खा लेना, है ना? भोजन जो है पेट में, भोजन कहां देना चाहिए? पेट में। पानी कहां देना चाहिए? जड़ में।
तो भगवान कहते हैं सारे जीव इस भौतिक संसार में भगवान के अंश हैं, ये सारे देवतागण भगवान के अंग हैं। दे आर लाइक लीफ ट्रंक, ये पत्ते के बराबर है, तने के बराबर है, और भगवान जो है जड़ के बराबर है। तो अगर हमें संतुष्ट करना है तो भगवान को संतुष्ट करना है, तो भगवान को संतुष्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे देवतागण सारे जीव संतुष्ट हो जाते हैं। एक कहावत है ना, आपने सुना होगा, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। अगर भगवान संतुष्ट हो गए सारा जगत संतुष्ट हो गया। तीसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, बताते हैं कि अगर एक ऑफिसर है और उसकी जिम्मेदारी है, उसका कार्य है करने का, और बड़ा सुंदर उदाहरण भगवान देते हैं उसमें। भगवान कहते हैं इंद्र देवता को बारिश के लिए पूजा करने की, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्र देवता तो वहां पर भी बारिश जो है बरसाते हैं जहां पर जरूरत भी नहीं है। समुद्र में घनघोर बारिश होती है, पर्वत के ऊपर होती है, पत्थरों के ऊपर होती है, अब उसको तो पानी की जरूरत नहीं है। तो जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी अगर इंद्रदेव पानी बरसा रहे हैं तो जहां पर जरूरत है वहां पर क्यों नहीं बरसाएंगे? ये भगवान का तर्क है, भगवान देते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, इट इज हिज वर्क, उनको जो कार्य दिया गया है उनको तो करना है, घूस देने की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ ब्राइबिंग, करप्शन बढ़ेगा और उसके कारण ही देखिए करप्शन बढ़ा। इंद्र देवता को घमंड हो गया, ही स्टार्टेड थिंकिंग आई एम सुप्रीम, मैं ही इष्ट हूं, मैं ही कंट्रोलर हूं, सब कुछ हूं। तो इस प्रकार से जो है जब फाइनली भगवान ने ऐसा कहा तो नंद बाबा ने कहा ठीक है पुत्र एक काम करेंगे, बेटा इंद्र का यज्ञ चलने दो, तुम जो कह रहे हो कि भाई गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि भगवान ने कहा कि हम तो कृषि के ऊपर गोरक्षा के ऊपर और सब कुछ हमें जो है गोवर्धन पर्वत से मिलता है, तो जो भी तुमने सामग्री एकत्रित की है इन सब के द्वारा हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो भगवान ने जो इस प्रकार से कहा तो नंद बाबा ने कहा ठीक है दोनों कर लेंगे, इसको भी चलने दो और उसके लिए भी हम लोग जो अरेंजमेंट कर देंगे। तब भगवान ने कहा नहीं, उसके लिए विलंब मत करो, डोंट डिले, आप जब तक अरेंजमेंट करेंगे काफी देर हो जाएगी, इसलिए आपने जो रेडी रखा है जो भी सामग्री तुमने इंद्र यज्ञ के लिए बनाई है वो सारी सामग्री अब गोवर्धन पूजा के लिए जो है उसका प्रयोग करो। तो भगवान के कहने पर फाइनली नंद महाराज मान गए और उन्होंने पूछा कि ठीक है पुत्र बताओ गोवर्धन की पूजा हमें कैसे करनी है। तब भगवान ने जो है डिस्क्रिप्शन देनी प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि जितने भी बढ़िया सामग्री है अनाज और दूध, इन दो चीजों के द्वारा हजारों की क्वांटिटी में अनेकों प्रकार के पकवान बनाओ गोवर्धन को भोग लगाने के लिए। पूरी बनाओ, हलवा बनाओ, कचौरी बनाओ, समोसे बनाओ, रसगुल्ले बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ, अनेकों प्रकार के व्यंजन, अनेकों प्रकार की प्रिपरेशन जो है करो, घी के साथ में और अन्न के साथ में। और बाद में वो कहते हैं जितने भी लोकल जो यहां पर ब्राह्मण है, वैदिक ब्राह्मण है, उनको बुलाओ और वेदों के मंत्रों के उच्चारण के साथ भोग जो है हम गोवर्धन गिरी गोवर्धन को लगाएंगे। तो ये सारे ब्राह्मण जो है वेदों के पाठ का उच्चारण करेंगे और बाद में इसका प्रसाद सबसे पहले ब्राह्मणों को दो और बाद में बाकी सभी जितने भी लोग हैं उनको दो, यहाँ तक कि चंडालों को भी प्रसाद प्रदान करो। और वो कहते हैं कि गायें
उनको जो है सुसज्जित करके लाओ, सुंदर रूप से सजाना। सुसज्जित करने के बाद में गो पूजा, और उसके पश्चात जो है हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे गाय के साथ में मिलकर के। तब नंद महाराज ने सारा जो है अरेंजमेंट किया, ब्राह्मणों को बुलाया गया और बड़े ही भव्य प्रकार से जो है गोवर्धन की पूजा का आयोजन हुआ। उस समय में जब भगवान, जब सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत को भोग लगा रहे थे, भगवान कृष्ण ने अपना गिरिधारी का रूप धारण किया। जय श्री श्री राधा गिरिधारी की जय। और भगवान ने जो है ये दर्शाया कि वे ही गोवर्धन पर्वत हैं, उनमें और गोवर्धन पर्वत में कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अराध्य व्रजेश तनया तद धामम वृंदावनम। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण आराध्य है, उनका धाम भी आराध्य है, उनका गोवर्धन पर्वत भी आराध्य है। भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, कोई अंतर नहीं है। और भगवान ने जो है तब सारा भोग स्वयं खाना प्रारंभ किया, क्योंकि वही गोवर्धन पर्वत भगवान ने दिखाया, कोई अंतर नहीं है। आप जब गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, यहां पर आप देखिए एक स्थान है अनियोर, तो अनियोर जो है संस्कृत का एक शब्द है, जिसमें जैसे इंग्लिश में कहते हैं मोर मोर, और चाहिए और चाहिए, तो भगवान कह रहे अनियोर अनियोर, और लेकर आओ और लेकर आओ। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है ये सारा भोग ग्रहण किया और बाद में प्रसाद के रूप में सबको बांटा गया। और तब जो गायें सब सुसज्जित थी, उसके साथ में मिलकर के भगवान ने कहा कि गाय को आगे लेकर के जाओ, सजी हुई गाय को, और हम सब पीछे पीछे गोवर्धन की जो है परिक्रमा करेंगे। गोपियां सब जो है बैलगाड़ियों के ऊपर बैठ करके सुंदर रूप से सज करके भगवान के गीत गाते हुए, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए, ये गोवर्धन परिक्रमा है। भगवान ने पहली गोवर्धन परिक्रमा स्वयं स्थापित की 5000 साल पहले, और आज भी भक्तगण जो है अनेकों प्रकार से वहां पर गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। कुछ भक्तगण तो दंडवत प्रणाम करके पूरा, कितने किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर की परिक्रमा जो है केवल दंडवत लगा करके भक्त लोग जो है परिक्रमा करते हैं। तो अगर आपको भी कभी समय मिले तो विदाउट फेल आप गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाइए, वहां पर भगवान की सुंदर स्थली जो है उसके आप दर्शन कर सकते हैं। तो जब भगवान ने इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा का आयोजन किया, सब बड़े खुशी खुशी होकर के अपने घर को चले गए, और इंद्र देवता सब देख रहे थे, तो उनको तो बड़ा क्रोध आ गया। इस छोटे से बालक के कहने पर इतने सालों से चला आया यज्ञ इन्होंने जो है बंद कर दिया, टाइम हो गया 5 मिनट, और 5 मिनट में समाप्त करें। तो उन्होंने जो है, इंद्र देवता ने तुरंत अपने संवर्तक बादलों को बुला लिया। देखिए जो संवर्तक बादल हैं, ये जो ऑर्डिनरी बादल बरसते हैं ना, अभी एक साल अच्छी बारिश हुई है उपली धारवाड़ में, इस प्रकार के बादल हैं। ये बादल होते हैं जब संसार में प्रलय होनी है, उस समय में घनघोर बारिश होती है, सब जगह केवल पानी पानी भर जाता है, उस प्रकार के प्रलयंकारी बादल होते हैं। और इंद्र ने आदेश दिया, उन्होंने कहा ये वन के रहने वाले, जंगल के रहने वाले लोग, इनको बहुत घमंड हो गया है अपने इस जो छोटा सा वहां पर ये बालक है उसके ऊपर ये अत्याधिक निर्भर हो गए हैं, और उसके कहने पर उसने जो है हम देवताओं का अपमान किया है,
हमारा जो यज्ञ इतने सालों से चलता था उसको भंग किया है। तो अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, वहां पर लगातार जोरदार वर्षा करो और गायें समेत जितने भी वहां पर वासी हैं सब डूब जाने चाहिए। तो संवर्तक बादल तो घबरा गए, उनको पता था कि भाई ये कृष्ण जो है कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, तो उनकी हिम्मत नहीं। तब जब उसने देखा कि संवर्तक बादल जो है डरे हुए हैं, तो इंद्र ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ, मैं अपने एरावत हाथी पर आता हूँ, तुम जो है पानी बरसाओ, मैं थंडर बोल्ट, आपने देखा होगा जब बिजली कड़क से जो है चमकती है वज्र की भांति, तो बताया जाता है फिर फाइनली जो है संवर्तक बादलों ने आदेश का पालन किया और घनघोर बारिश, हर एक जगह पानी पानी हो गया। भागवत में कहा है ब्रज धाम में ये पता नहीं चला कौन सी ऊंची जगह है कौन सी नीची जगह है, सब बराबर हो गई, पानी भर के सब बराबर। और इतनी बारिश, इतनी ठंडी हवाएं, इतनी घनघोर जो है आंधी चल रही थी, इतनी बिजली चमक रही थी कि सारे ब्रजवासी जो है ठंड के मारे ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे। और खासकर जो है जो गौ माता है उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, अपने छोटे छोटे बछड़ों को अपने थनों के नीचे लेकर के आंखों में आंसू बहाते हुए सब ब्रजवासी गायें के साथ में मिलकर के भगवान गोविंद के पास में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमारे लिए आपके सिवा और कुछ नहीं है, इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान को तो पता था, भगवान सोच रहे हैं मन में, इंद्र दानव तो नहीं है, असुर तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर में गर्व आ गया है और मेरे जो सेवक हैं, मेरे जो भक्त हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि उनके मन के अंदर में इस प्रकार का गर्व आ जाए। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब भगवान ने दिया है, हमें गर्वित नहीं हो जाना है। कुछ पावर मिलने से आप देख सकते हैं लोगों का चलन ही बदल जाता है, पहले कैसा रहता है बाद में देखिए, जब एक बार मिनिस्टर बन गया बड़ा या फिर पैसा आ गया धन दौलत आ गया, तब उनके हाव भाव देखिए बिल्कुल बदल जाते हैं। तो ये मतलब हमारी छाती फूल जाती है, गर्व आ जाता है, मेरे पास सब कुछ है। तो यही इंद्र देवता का हाल हो गया, वो सोचने लगा कि सब कुछ मैं ही कंट्रोलर हूँ। और भगवान जो हैं वो उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, तो भगवान जो है इंद्र देवता का मान हरण करना चाहते थे, उनका गर्व तोड़ना भी चाहते थे, उनको सही रास्ते पर लाना चाहते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट था जो भक्तगण भगवान के ऊपर निर्भर हैं उनकी रक्षा करना चाहते थे। तब भगवान ने जो है तुरंत गोवर्धन पर्वत उठा लिया अपनी छोटी उंगली बाएं हाथ के द्वारा लेफ्ट हैंड, और अपनी छोटी उंगली के ऊपर भगवान ने जो है गोवर्धन पर्वत उठा लिया और भगवान ने कहा सारे ब्रजवासियों से, तुम सब अपने सब सामान के साथ में, अपने गोधन के साथ में सब इसके नीचे आ जाओ, ये बिल्कुल एक छाते के बराबर तुम्हारी रक्षा करेगी, बड़ा छाता। तो भागवत में कहा है भगवान ने गोवर्धन पर्वत ऐसे उठाया जैसे छोटा बच्चा मशरूम का पेड़ उठा लेता है। मशरूम का पेड़ आपने देखा होगा, छोटा सा बड़ा हल्का सा होता है, कोई छोटा बच्चा भी उसको उठा सकता है। तो भगवान ने जो है उस प्रकार से उठाया और भगवान की कृपा से 7 दिन तक लगातार वर्षा, मूसलधार वर्षा। वर्षा कैसी हो रही थी उसकी भी डिस्क्रिप्शन दिया भागवतम में, पिल्लर जैसे बड़े बड़े खंबे होते हैं इस प्रकार से जो है बारिश हो रही थी। और उनकी शक्ति कैसी थी, जैसे एरो होती है, जैसे एरो चुभती है आकर के तीर, उस प्रकार की बारिश हो रही थी। तो 7 दिन तक भगवान की कृपा के द्वारा ना तो किसी को भूख लगी ना प्यास लगी, सब संतुष्टि के साथ में आराम से जो है गोवर्धन पर्वत की छाया में रहे।
जय श्री श्री राधा गिरिधारी की। तो भगवान ने जो है इस प्रकार से अपने भक्तों की वहाँ पर रक्षा की। और उस समय में भगवान कहते हैं नंद महाराज से और बाकी गोपगण से, ऐसा मत सोचो छोटा बालक हूँ उंगली से कहीं गिर ना जाए। और आपने देखा होगा कि नंद बाबा और बाकी गोपगण भी जो है अपनी छड़ी लेकर के भी खड़े हैं कि भाई सपोर्ट हम भी थोड़ा सा दे दें, कहीं गिर ना जाए। तब भगवान जो है थोड़ा टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा अपना हाथ उठाते हैं और गोवर्धन जो है गिरने लगता है, तब भगवान दोबारा उसे उठा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने 7 दिन अपने भक्तों की रक्षा की। और जब इंद्र देवता ने ये चमत्कार देखा उसके तो होश उड़ गए, घबरा गया इंद्र। उसकी समझ में आ गया कि मैंने बड़ा अपराध किया है, ये तो कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं है। तुरंत उसने जो है अपने बादलों को वापस बुला लिया और बढ़िया जो है चमकता हुआ सूरज बाहर निकला और धीरे धीरे करके पानी जो है पूरा घट गया, वहाँ से बाढ़ चली गई। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अब आप सब वापस जा सकते हैं, और भगवान ने उसी जगह पर गोवर्धन को वापस रख दिया। तो सारी गोपियाँ और जो जितने भी वहाँ पर व्यस्क गोपगण थे सब घर गए, और बाद में सब ने कृष्ण का आलिंगन किया और भगवान के जो है गुणगान किए। इसके बाद में स्वयं इंद्र देवता जो हैं स्वर्ग लोक से आते हैं और एकांत में भगवान के पास में वहाँ पर आते हैं और दंडवत प्रणाम करके जो है भगवान से माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि भगवान, बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं इंद्र जी, वो कहते हैं कि भगवान आपने जो किया है, जो मुझे दंड दिया है बिल्कुल सही किया है, आप सर्वोत्तम पिता हैं, आप सर्वोत्तम पिता हैं। तो जिस प्रकार से, और वो कहते हैं कि आप सर्वोत्तम राजा हैं, तो कहते हैं उदाहरण देते हैं जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र को दंड देता है, सजा देता है सही रास्ते पर लाने के लिए, राजा अपनी प्रजा को कई बार दंडित करती है उनको सही रास्ता दिखाने के लिए। और कहते हैं कि आप जगत गुरु हैं, सर्वोत्तम गुरु हैं, सबके गुरु हैं। तो कई बार स्पिरिचुअल मास्टर गुरु जो है अपने शिष्य को, डिसाइपल को सही रास्ते पर लाने के लिए दंडित करता है। तो ये 3 जो है उनको दंड देने का अधिकार है हमारी भलाई के लिए, राजा, पिता और गुरु। तो कहते हैं कि भगवान मैंने अपराध किया है और आपने जो सजा दी है बिल्कुल सही की है। और इस प्रकार से जो है वो क्षमा याचना करते हैं और भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में व्यर्थ ही इस प्रकार का जो है गर्व आ गया था जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, और भगवान उसको क्षमा करके जो है वापस भेज देते हैं। बाद में गोलोक वृंदावन धाम से सुरभि गायें भी आती है और वो भी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान आपकी कृपा के द्वारा हमारे जो इस धरती के ऊपर जो हमारे जो वंशज हैं, जो हमारे गायें हैं, उन सब की आपने जो है रक्षा करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा आभार किया है। तो बाद में इंद्र देवता गंगा जल के द्वारा, एरावत गंगा जल के द्वारा, और सुरभि गायें जो है अपने दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक करती हैं। आज भी आप वो कुंड वहाँ पर देख सकते हैं। कौन से कुंड हैं कौन बताएगा? सुरभि, सुरभि कुंड, ऐरावत कुंड, इंद्र कुंड। तो ये 3 कुंड भी जो है आप जब गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो आप वहाँ पर दर्शन कर पाएंगे।